सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम रायबरेली में पूर्व सपा विधायक आशा किशोर के पति के 13वीं संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, तभी शहर के सारस चौराहे पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए नरेश उत्तम ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नरेश उत्तम ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, पूरे प्रदेश में लूट हत्या डकैती समेत अपराधों के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, पूरे देश में आर्थिक मंदी है। इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समय कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, हत्या डकैती लूट महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। इस बात को समाजवादी पार्टी उठाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निशाने में है, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, जबकि काम करना चाहिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है।